एक बार तीन प्रोफेसर झील के किनारे टहलने के लिए जा रहे थे। उसमें फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के तीन थे। तो फिजिक्स के प्रोफेसर ने कहा, झील के किनारे आए हम प्रयोग करेंगे जल का उत्प्लावन बल कितना है। झील में कूद गए, निकल ही नहीं पाए। जीव विज्ञान वाले प्रोफेसर साहब ने कहा, हम भी प्रयोग करेंगे कि इसमें कार्डेटा संघ के कितने प्राणी हैं, मोलस्का संघ के कितने। वो भी कूद गए, निकल ही नहीं पाए। जब शाम के 5 बज गए तो केमिस्ट्री के प्रोफेसर ने कहा कि इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि ये दोनों जल में घुलनशील हैं। तो थोड़ा सा कविता के आनंद के रस में भी हमें घुलनशील होना है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके हास्य व्यंग के अलबेले हस्ताक्षर आदरणीय रवि चतुर्वेदी जी को आमंत्रित करें। इस पावन नगरी में आप सबको प्रणाम करता हूं, इस मंच को प्रणाम करता हूं, जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में स्वयं प्रभु राम हूं। वाह। आज पूरा दिन हम सब ने अयोध्या को जी भर के देखा। सचमुच अयोध्या अयोध्या है। वाह। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आदरणीय बाबूजी बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय चेतना की रचना का वो शिखर पुरुष हमारे सम्मुख है। वाह। आप सब मंच के तमाम रचनाकार बैठे हैं। भाई ने मुझे इस दौर में हंसाने का जिम्मा दिया है। मेरे बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा। देश की चिंता इनको देखकर आपको लग रही है कितना सूख गया है ये आदमी। इतना चिंता करता है इसलिए इतना सूख गया है। हमारे आदरणीय कह रहे थे कि कुछ लोग राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं आए, वो ना समझ नहीं है। मैं उन्हें बहुत प्रणाम करता हूँ। ज्ञानी वही हैं, रामायण के सही अध्येता वही हैं, प्रभु राम को लाने वाले असली वही हैं। क्या दृष्टि है। क्योंकि उन्होंने पढ़ा था कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ाई असुर अधम अभिमानी। क्या बात है। वाह 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 वाह। तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा। वो चिंतित थे कि ऐसा कैसे वातावरण नहीं हो रहा कि प्रभु राम का अवतरण हो, और उनके कार्यों से हुआ। एक बार ताली उनके सम्मान में आपकी बजनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग नहीं आ रहे थे। हमने एक सज्जन से कहा, हमने कहा कि माना कि पार्टी की प्रतिबद्धता है, लेकिन आप क्यों नहीं आ रहे हैं। कहा कि अयोध्या में अभी काम पूरा नहीं हुआ। हमने कहा कि सब बता रहे हैं कि सब पूरा हो गया है। बोले तुमने देखा है। हमने कहा नहीं देखा। बोले भला बताओ, कोप भवन बना क्या। बढ़िया टिप्पणी हुई है भाई, एक बार जोरदार तालियां। बोले कोप भवन नहीं बना तो हम कैसे जाएं। बहुत दुखी लोग हैं। आदरणीय दादा बता रहे थे कि वो संघ के स्वयं सेवक रहे हैं। पता नहीं लोगों का चिंतन कहां तक हो गया है। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी उस दिन हमने रामायण कराई, रामायण शुरू थी, सभी को बुलाया, कोई भी पार्टी वाला रहा हो। रामायण चालू ही तो हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। एक सज्जन खड़े हो गए, बोले यहाँ शाखा कहाँ से आ गई। बढ़िया बारीक है। वाह 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 वाह। बोले यहाँ शाखा का क्या काम है। उन सब का दृष्टिकोण वहीं तक पहुंचता है जहां नहीं पहुंचना चाहिए। इसलिए ये चिंता की बात नहीं है, ये चिंतन का विषय है। वाह। मैं आप सबको एक आध छंद सुनाऊंगा, एक आध छल छंद सुनाऊंगा। मैं उस समय की बात बताता हूं जब सबूत मांगे जा रहे थे प्रभु राम के जन्म के। हमारे छोटे भाई ने कहा कि एक ही धर्म है और वो है सनातन। वाह। तब मैंने एक छंद लिखने की कोशिश की। खुदाई हुई कि हम पता लगा रहे हैं कि राम यहाँ पैदा हुए क्या। मैंने एक बात बताने की कोशिश की कि राम कौन सी खुदाई में मिल सकते हैं, कि कौन सा पिया है जाम, बुद्धि ने लिया विराम, सोचते हो
कौन सा पिया है जाम, बुद्धि ने लिया विराम, सोचते हो खोदने से राम मिल जाएंगे। कौन सा पिया है जाम, बुद्धि ने लिया विराम, सोचते हो खोदने से राम मिल जाएंगे। कौशल्या के अंगना में, वैदेही के कंगना में, सबरी के बेर में श्री राम मिल जाएंगे। कौन सा पिया है जाम, बुद्धि ने लिया विराम, सोचते हो खोदने से राम मिल जाएंगे। कौशल्या के अंगना में, वैदेही के कंगना में, सबरी के बेर में श्री राम मिल जाएंगे। कण कण में है राम, पग पग में है राम, राम हनुमान के सीने में मिल जाएंगे। ईसा में मिलेंगे राम, बुद्ध में मिलेंगे राम, खुदा की खुदाई में श्री राम मिल जाएंगे। ईसा में मिलेंगे राम, बुद्ध में मिलेंगे राम, खुदा की खुदाई में श्री राम मिल जाएंगे। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के पहले ये हिंदुस्तान कैसा था? अजब है भीड़ में होकर सहारा ढूंढता है वो, अजब है भीड़ में होकर इसकी तलाश में था हिंदुस्तान। अजब है भीड़ में होकर सहारा ढूंढता है वो, खड़ा साहिल पे जाने क्यों किनारा ढूंढता है वो। वो सूरज चांद जुगनू तन बदन में ही लपेटे है, मगर मुद्दत से नभ में एक सितारा ढूंढता है वो। मगर मुद्दत से नभ में एक सितारा ढूंढता है वो। मैं आपको बताऊं सर, मेरे विषय में इतनी गलत गलत बातें कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, मेरे पिताजी ये चाहते थे कि कोई मेरा एक बेटा वकील बने। उन्होंने देखा कि सबसे अधिक झूठ कौन बोलता है, तो मेरा नंबर अब्बा लाया। उन्होंने कहा LLB कर लो। LLB करने के बाद हमने एक 300 को कोर्ट खरीदा, बाद में उसे 500 में बेचा, तो मेरी समझ में आ गया कि वकालत में बहुत फ़ायदा है। लेकिन मैंने छोड़ दिया। जब मैं कोर्ट गया तो एक मुवक्किल ने कहा मेरा केस लड़ोगे? मैंने कहा उसी के लिए तो आया हूँ। बोले क्या फीस लोगे? मैंने कहा 5,000 रुपये। बोला तुम सस्ते वकील हो क्या? चला गया। बहुत कष्ट हुआ। आखिरकार 5-6 महीने बाद मिला तो रोने लगा। हमने पूछा आप क्या हुआ? बोले तुमको छोड़कर मैंने एक 50,000 को वकील लगाया, लेकिन परिणाम सजाए मौत मिली। मैंने कहा मूर्ख, जब मैं वही काम 5,000 में करा रहा था। बढ़िया है, बढ़िया है दद्दू, वाह वाह। कैसे मंजर दिखाई देते थे, प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व की बात। ऐसे मंजर दिखा, कैसे मंजर दिखाई देते थे, और बाग बंजर दिखाई देते थे। वाह। और हाथ उठते हैं अब दुआओं में, हाथ उठते हैं अब दुआओं में, जिनमें खंजर दिखाई देते थे, जिनमें खंजर दिखाई देते थे। और एक छंद असंभव अलंकार। हाँ हाँ, सुना स्वयं भाई सुनो। कि चांदनी भी चांद से जुदा हो सकती है मित्र, सूर्य भी जुदा हो सकता है आसमान से, संभव ऐसा हो जाए, पर हो नहीं सकता। जुदा भी हो सकती है। चांदनी भी चांद से जुदा हो सकती है मित्र, सूर्य भी जुदा हो सकता है आसमान से, श्वास प्रतिश्वास से पवन जुदा हो जाएगी, रोशनी जुदा हो जाए भोर से बिहान से, संभव फूल से भी खुशबू जुदा हो जाए,
रागनी जुदा हो जाए स्वर से वतान से, किंतु उन्हें क्रूर आतताइयों से कह दें कि प्रभु राम जुदा नहीं होंगे हिंदुस्तान से। बहुत अच्छे। किंतु उन क्रूर आतताइयों से कह दें कि प्रभु राम जुदा नहीं होंगे हिंदुस्तान से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।